तो यार बोल गए तो आज मिहिर गलत के नेक्स्ट एपिसोड भाई तुम देख लो मेरे सामने आज यहाँ पे वंस अगेन अर्जुन खत्री रैपिंग फ्रॉम इंडियन कार सीन। अर्जुन खत्री भाई मुझे पहले बताओ, सबसे पहले मैंने अच्छा जितने लोगों ने अर्जुन खत्री भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया मैं बोलता हूँ फॉलो कर लो क्योंकि हैंडल और वो दोनों चीज है दिखा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल यार ये चीज दिखाना बहुत जरूरी है, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम जरूर फॉलो करना है। अच्छा क्यों हम बाकियों के साथ बात करते हैं कि अच्छा हाँ कंटेंट वैसा मिलेगा सब कुछ, आपके साथ तो क्या सरप्राइज मिलेंगे ठीक है। अभी क्या है भाई ने बहुत अच्छा एक सॉन्ग शूट भी किया है, हम बता सकते हैं किस साथ किया है? परमेश भाई के साथ, परमेश भाई के साथ सॉन्ग शूट हुआ है ठीक है ना। तो काफी मतलब बड़े बड़े सरप्राइज भाई देते रहेंगे तुम्हें इंस्टाग्राम यूट्यूब पे, तो हमारा फर्ज बनता है अगर भाई हमारे साथ कोलैब कर रहे हैं हमारे साथ वीडियो बना रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है ठीक है। थोड़ा सा शाम का वक्त है थोड़ा तुम लोगों को मैनेज करना है उस चीज में भाई, ये ज्यादा बेटर है जब फ्लैश की लाइट अब रात पे पड़ेगी जो चीज इंपॉर्टेंट है वो चीज इसमें दिखेगी। बढ़िया टाइम पे ब्रो इस चीज को मत सोच, आज बढ़िया टाइम, ये बेस्ट टाइम है। रैप क्या चीज चेंज किया भाई, भाइयों ने लास्ट टाइम एपिसोड में देखा हुआ ये वही M4 है वही चीज़ें हैं। तो चेंजेस मैं बता देता हूँ, ये चीज़ है कलर शिफ्टिंग है भाई, रेड एंड ब्लू है। आप लोग पूछो रेड एंड ब्लू क्यों है, हाँ। भाई बेसिकली ये M के कलर है, प्रॉपर M स्पोर्ट्स जो होता है कलर, हाँ। उसके है ब्लू एंड रेड, वही कॉन्सेप्ट ले रखा है। रेड फ्रॉम दिस साइड मीन्स फ्रॉम एवरीवेयर। इस लाइट की बात बाद में करेंगे, इसमें बाद में आते हैं। यू कैन सी भाई रेड भाई अपना, मैं भाई ड्रिफ्ट मतलब अपना थोड़ा बहुत कर लेते हैं, थोड़ी बहुत ड्रिफ्टिंग अच्छी कर लेते हैं ठीक है, नहीं थोड़ी बहुत आती है। तो भाई ये मैंने भाई ड्रिफ्ट ओरिजिन वही अपनी भाई जापान से, और ये ड्रिफ्ट एडिक्टेड लिख रखा है भाई जापानीज में। अच्छा ड्रिफ्ट एडिक्टेड, लोग यूं पूछे जर्मन कार जापानी भाई मेरी गाड़ी, मेरे को अच्छा लगा मैंने ये चीज कर ली। पर भाई अर्जुन भाई ये बहुत अच्छा आपने, चलो आप तो बहुत अच्छे से जल्दी जल्दी बता रहे हो सब चीज, मुझे ये बता दो एक बार ना कि ठीक है जर्मन कार है, ड्रिफ्ट की ओरिजिन ड्रिफ्ट की शुरुआत एशिया जापान से हुई थी ठीक है, तो ऐसा मन नहीं करता अंदर से कि कोई GTM कार लेके भी मतलब एक प्रॉपर ड्रिफ्ट बनाया, फिर अपनी भी M4 तो वैसे देखो बाप गाड़ी है। अब एक्चुअली बात ये है कि दिस इज समथिंग एक्सपेंसिव साइड, हाँ फिर मैं लूंगा आप यू कह लो इसको कि एक JDM भी लेनी है तो समथिंग डिफरेंट लेनी है, डिफरेंट ऐसे नहीं लेनी दैट के बस ले ली और बढ़ा ली, क्योंकि इसका ही बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चलेगा अभी तो बेसिकली JDM सोची है। बट भाई JDM मैं जब लेके आऊंगा जब आगे रोड से ऐसी हो जाएंगे, बिकॉज JDM फिर सीधी नहीं चलेगी भाई मेरे से, यही सीधी नहीं चलती, इसकी कंप्लेंट बहुत है सारी चीजें है, यही 24 घंटे हम लोग मोस्टली भाई पहले ही बता देता हूँ ये काले शीशे वगैरह भाई मैं वो नहीं कर रहा, ये जस्ट सिर्फ मेरी ट्रैक कार और इवेंट्स के लिए कार और फ्लैट बेड पे जाती है। ये कल को इस बात पे होगा भाई काले शीशे प्रमोट कर रहे हम नहीं कर रहे भाई, सिर्फ फ्लैट बेड पे चलती है, इवेंट्स पे चलती हुई दिखेगी, रोड पे बहुत कम चलती है भाई, घर से आ जाती है और आ जाती है इससे ज्यादा। ब्रो आपने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि कोई नई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो, आपने बोला था कि हाँ वो लूंगा JDM। अच्छा ठीक है, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे निसान 350 की तरफ जा रही थोड़ी सोच, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है ब्रो, पर कुछ JDM भी लूंगा तो कुछ अलग लूंगा, 350Z और ये सब नहीं। अच्छा सुपरा का प्राइस बहुत ज्यादा चल रहा है, हाँ, कितना चल रहा है वैसे इंडियन मार्केट में जरा बता दो एक बार। भाई डिपेंड करता है, सुपरा इन अ गुड कंडीशन 70-80 से लेके करोड़ प्लस भी है। हम MK कौन सी बात कर रहे हैं, MK Mark 4 की बात कर रहे हैं, 5 नहीं लूंगा 4 ही लूंगा। पर लीगल कंडीशन में कैसे मतलब रोड लीगल कैसे होगी वो? भाई उसके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह एक्सटेंड करवाई हुई है जो है जो 1 CR प्लस है जो अच्छा मैंने देखी है वो, चलो सही है उसका हर चीज वैलिड। मैं कम से कम ये चाहता हूँ जैसे आप वीडियो में आए तो सारी नॉलेज मतलब ऑफ कोर्स हम कोलैब करते हैं काफी टाइम में करते हैं तो जितना भी आपको पता है सब कुछ हम सब निचोड़ लें आपसे ठीक है, वो वाली बात है ओके। तो भाई आपने ये तो चेंज कराया ठीक है, सो बेसिकली भाई ये भी एक स्पेशल टेप है, पहले तो ये ट्रॉन टेप्स है, आपने लंबोस वगैरह देखी होंगी बार ओके, वो लंबोस में होते हैं सिर्फ एजेस दिखाने के लिए और इस चीज के लिए, अपनी में इतनी एजेस नहीं है कर्व्स नहीं है बट जितना वे पॉसिबल सुंदर दिखने के लिए हो सकता था वो मैंने किया है। उसके बाद ये भी रेडियम में है, ये ट्रॉन है, ये भी रेडियम है, ये भी अलग से भाई, ये शाउट आउट टू माय बॉयज भाई अक्षय भाई और पूर्व भाई के भाई के कस्टम बिग शॉट रोड सारा मेरे इंडियन कार सीन में काफी बढ़िया कर रहे हैं सारा भाई, मेरे को नहीं पता और होगा भाई मेरी गाड़ी सारा काम मैकेनिकल कॉस्मेटिकल यही होता है ओके ठीक है जी। अब आता हूँ आगे, ये हुआ पावर गर्ल्स आपने देख ली, देखा हुआ है कलर चेंज हो गया, अगली बार डिजाइन चेंज हो जाएगा, डिजाइन भी कुछ अलग चेंज करेंगे अब की बार ठीक है जी। डिजाइन मतलब बम्पर का है, बम्पर का अच्छा हाँ जी ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग भाई, ये लिटिल बिट सिट्रॉन ली है के हाईलाइट करने के लिए, दैट्स इट ओके। इसे सिट्रॉन बोलते हैं, ट्रॉन टेप्स होती है, ट्रॉन टेप्स या रेडियम कलर्स बोल सकते हो जो ग्लो करे, बस बाकी टेप्स को ट्रॉन टेप बोला जाता है ओके। ये कलर रिफ्लेक्टिंग होती है प्रॉपर वाली ओके। और ये रैप जो आपने पूरा चेंज कर दिया है, हाँ अब आता हूँ इस पे, बेस इज ब्लैक मैट सेटन ब्लैक रैप हुई है गाड़ी, उसके ऊपर ट्रॉन का काम हुआ है सारा ओके। अब आप इस साइड आओगे तो आपने देखो उस साइड अलॉयज भी मेरे रेड है हाँ। और ब्लू है हाँ हाँ। इस साइड प्रॉपर ब्लू है, उस साइड प्रॉपर रेड है हाँ, यस इस साइड ब्लू है, प्रॉपर ब्लू है ट्रॉन और हाँ। प्रॉपर रेड है, तो आप उस साइड का दिखाओ ब्रो, उस साइड प्रॉपर रेड है, प्रॉपर रेड ही एक शेड आ रहा है वो तो हमने ध्यान दिया, ऑडियंस को दिखाते हैं ये देखो कुछ इस तरीके से हम देख सकते हैं, बहुत सही। रैप की कहानी क्या है भाई फिर जरा वो बताओ, कैसे मतलब पार्ट
2 में हमने रैप भी चेंज कर दिया, जहाज नाम दे दिया हमने गाड़ी का। जहाज तो भाई अपने हरियाणा वाले बॉयज खातर, पर भाई ये चीज अब आगे बढ़ रही है और चीज है, तो भाई एक जहाज फिरोसा नाम, ओके फिरोसा नाम रख दिया भाई अपनी का, ठीक है। आपने जिनने मेरी वीडियो देखी होगी वो देख सकते हैं, बट हाँ भाई प्रैक्टिकली हरियाणा वाले भाई इस चीज से वो मतोड़ा, जहाज ही है, जहाज को दिक्कत वाली बात नहीं है, कैंडल में जहाज रहेगा। अच्छा ठीक है, बेसिकली ये चीज है। ओके इसके अलावा जो मेरी वीडियो में चेक करना आप लोग वो आएगी, उसमें थोड़े और वो आज भाई ने थोड़ा, भाई मेरा इंपॉर्टेंट भाई है तो भाई ने थोड़ा जल्दी प्रायोरिटी देने के लिए मैंने जल्दी वीडियो बना दी। यस बाकी अभी कुछ और चेंज होंगे वो नेक्स्ट वीडियो मेरी। अच्छा अर्जुन भाई चलो हम अंदर आते हैं, आपने ई ब्रेक्स लगवाया हम सब दिखाएंगे, ठीक है। एक बार सुनो मुझे जरा ये कहानी बताओ, मुझे लाइट का मुझे जानना है। देखो मैं आपको बताऊं ये बहुत ना भाई जिगरे वाला काम होता है, मैं पहले बोलना चाहता हूं, यही चीज बताना चाहूंगा प्लीज भाई इंडियन ऑडियंस के लिए मेरी रिक्वेस्ट है, जो इस गाड़ी को देख के कह रहे हैं क्रेजी बना दी और बना दी, भाई कुछ नहीं है। मैं पहले बताता हूँ कार गाय होना इज अ नॉलेज, नॉलेज नॉट अबाउट यू हैव मेनी कार्स और ये चीज। अब कोई मेरे से पूछे ये क्या है भाई, कुछ नहीं है भाई सर, दिमाग लगाया एक भाई अपने शौकीन भाई को, थैंक यू आपकी बार तो भाई इतना बड़ा शाउट आउट है शौकीन भाई के लिए, पिछली बार रह गया था। हाँ शौकीन भाई ने तो भाई मेरे से पैसे भी नहीं लिए भाई, शौकीन भाई भाई दिल से थैंक यू उस भाई को, ठीक है। उन भाई ने क्या बना, आप दिमाग लगाओ आप लोग, ये सर मैंने अपनी लाइट उतारी है, उसका फ्रेम दिया है, उसके अंदर से छेद हो गए, डिमन आई लगी है। आगे चल के अब ये क्यों किया इसका भी एक रीजन है, आगे चल के माइट बी अ पॉसिबिलिटी आई एम चेंजिंग माय इंजन सेटअप टू जेजी रख सकता हूँ भाई, वीडियो में बता दिया है। अभी नहीं है ये बात, लेकिन आगे जाके अभी मेरी बैक एंड फॉरवर्ड चल रही है किस चीज के लिए, यही इंजन रिबिल्ड कराऊं 1000 bhp के लिए या 2JZ रखा जाए। और अगर ये इंजन रहेगा तो सिंगल टर्बो पे सेटअप होगा, अभी ये ट्विन टर्बो है, और 2JZ लेंगे तो बात ही खत्म है, इंडिया की फर्स्ट मैनुअल M4 हो जाएगी कुछ आने टाइम में। आपने ये भी रिबिल कर दिया कि मैनुअल भी, हां ये तो मैं वैसे भी कह रहा हूं, और ये बाइक ड्रिफ्टिंग में नीड है, बाइक ड्रिफ्ट वेपन बना रहे हैं इसको, इंडिया की बेस्ट ड्रिफ्ट कार बनानी है तो भाई चीजें चाहिए, मैनुअल लगेगा इसमें प्रॉपर मैनुअल के साथ, इसका हर चीज ई ब्रेक्स सब कुछ परफेक्टली फाइन। आगे चल के ये लाइट हट जाएगी, अच्छा। लाइट हट के यहाँ पे स्नॉर्कल आ जाएगा, ओहो, इंटेक। अच्छा ये अभी कॉस्मेटिकल है, बाद में मैकेनिकल हो जाएगा। पर भाई ये कॉन्सेप्ट आपने कहीं देखा था या फिर खुद से सोचा, पहले मुझे बताओ। भाई मैं एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट बात बताऊं, हमारे इंडिया में कार कल्चर अभी शुरू हुआ है, जापान चले जाओ, US चले जाओ, वहाँ का कार कल्चर हमसे 10 साल आगे है। अच्छा तो वहाँ पे लोगों ने चीजों में इतनी चीजों में मॉडिफिकेशन कर रखी है, ऐसे ऐसे मॉडिफिकेशन कर रखी है, आई ऑनेस्टली बिलीव भाई हमको किसी को कॉपी नहीं करना, जहाँ जहाँ से आपको चीजें बेस्ट लगे बेस्ट लगे inspire. ये इंस्पिरेशन फ्रॉम जापान एंड भाई लांसर ईवो एक्स होंगी, और कार है एक M4 भी, क्या प्यारी ब्लड शॉट वाला एकदम वैसा फील आ रहा है, मैंने अलग से बनवाया, ये अलग से बनवाया, सो दिस इज इट। अब मैकेनिकल में बात करते हैं, लास्ट वीडियो में भाई पीछे से ब्रेक टायर दिखाओ, ठीक है फिर एक्सप्लेन करूंगा क्या चीज है। ओके क्या लगे, डुअल कैलिपर, डबल कैलिपर सेटअप हो गया है, लास्ट टाइम भाई के वीडियो में प्रॉमिस किया था, अब की बार लगा दिया है, डबल कैलिपर सेटअप है भाई प्रॉपर। इसका यूज बताओ मुझे प्रॉपर, मैं बताता हूँ भाई प्रॉपर ड्रिफ्ट मशीन के लिए डबल कैलिपर सेटअप इज दिस, के भाई आपको डायरेक्शन चेंज करनी है, तेज स्पीड में मैं ड्रिफ्ट कर रहा हूँ राइट साइड, मेरे को लेफ्ट में आना है, क्लच इन किया, खींची, प्रॉपर गाड़ी के टायर लॉक हुए, डायरेक्शन चेंज की, क्लच आउट, और एकदम पावर देगी गाड़ी एंड यू कैन कंटिन्यू योर ड्रिफ्ट। डायरेक्शन चेंज करने के लिए या हाई स्पीड पे आपको क्या कहते हैं टर्न लेने के लिए, या आप सीधे आ रहे हो हाई स्पीड पे, आपने खींचा स्लाइड आउट एंड एक्सेलरेट किया, दैट्स द थिंग भाई, ई ब्रेक्स का ये काम है। बट जो इंडिया में अभी तक सिर्फ शायद आई थिंक सनम भाई की गाड़ी में काम हुआ है या उसके बाद मेरी गाड़ी में, दैट इज ब्रेक बायसिंग, वो किसी गाड़ी में नहीं है। ब्रेक बायसिंग अब होती क्या है मैं वो बता, ये बताओ ब्रेक बायसिंग होती है ब्रो, फ्रंट ब्रेक जैसे थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हैं भाई, हर गाड़ी का सेटअप अलग होता है, गियर बॉक्स अलग होता है, टॉर्क कन्वर्टर DSG होते हैं जो मोस्टली सुना है, दिस इज DSG, DSG में क्लच ड्रॉप नहीं होता, क्योंकि क्लच DSG भाई पहले तो मैं ब्रीफ कर देता हूँ, DSG डबल क्लच सिस्टम, डुअल क्लच सेटअप होता है, वो क्लच ड्रॉप नहीं होता हाई BHP कार्स में, क्यों कि ओवर हीट हो जाए, उसके लिए ये क्लच ड्रॉप नहीं करती, तो खड़े हुए बर्नआउट नहीं करती, जर्मन DSG वाली गाड़ियां, नॉट जर्मन, जिनमें भी DSG है क्लच ड्रॉप नहीं करता, बट इसमें ये मस्टैंग की तरह आप ड्रिफ्ट कर सकते हैं, बिकॉज क्यों अंदर दिखाऊंगा क्या सेटअप है, इसमें लगवाइए पूरी ब्रेक वायरिंग, एक नॉब घुमाऊंगा तो सारा ब्रेक प्रेशर, पिछले ब्रेक फेल हो जाएंगे, सारा ब्रेक प्रेशर फ्रंट में चला जाएगा। अच्छा रियर्स के लिए अपना डबल कैलिपर सेटअप है मेरा, हाइड्रोलिक ब्रेक और ब्रेक बायसिंग है फ्रंट के लिए, प्रॉपर उसको नॉब को टाइट कर दूंगा तो सारा प्रेशर आगे जाएगा। ये क्यों करते हैं मतलब, ये
अगर मेरे को सपोज करो ट्रैक पे अपने टायर गरम करने हैं ड्रिफ्ट से पहले, या मेरे को ड्रैग करनी है, ड्रैग करते हुए एक ब्रेक पे पैर रखा और सब कुछ किया, जैसे मैंने ऑफ कैमरा भाई भाइयों को ड्रिफ्ट करके दिखाई थी, देख सकते हो, यू कैन सी दिस। तो इसमें मेरे को क्लच ड्रॉप, मेरे को हाई स्पीड की जरूरत नहीं है, मेरे को लंबे रन की जरूरत नहीं है, बेसिकली मेरे को सिर्फ थोड़ा सा प्रेशर वो प्रोड्यूस करना है, पिछले टायर रोल करेंगे और आई कैन इनिशिएट द ड्रिफ्ट। उस वक्त ये वाली काम आती है फ्रंट वाली, छोटी सी जगह में मैं ड्रिफ्ट कैसे कर सकता हूँ ये। अच्छा, इस चीज के लिए। अच्छा, तो भाई अब और इंडिया में गाड़ी हाई बीएचपी सेटअप पे नहीं है, उनमें पावर कम है, तो वो छोटी जगह में हो सकती है, अपनी में पावर ज्यादा है। और आगे चल के अब नियर अबाउट इसका इंजन खोल के सारी चीज देखनी है, तो 600 बीएचपी पे सेटअप करूंगा, उसके बाद 1000 बीएचपी जाएंगे, तो वो आगे की चीज है। तो अब अंदर दिखाता हूँ। शैडो लाइट है, ये अलग है, ये पहले ऐसी नहीं है, अलग है, अलग है ना, बीएम वाली थी पहले तो। हाँ जी, हाँ जी। तो ये क्या है मतलब? M-Body है। अच्छा, और साथ में यार भाई ने मतलब तुम देख लो कुछ क्रेजी सा GTA टाइप एक ग्राफिक भी तैयार कर दिया, एंड सबसे मेन चीज जो है वो ये है शायद भाई ने देखा नहीं होगा, हुड पे मेरी ग्राफिटी हुई है प्रॉपर, ये हुड की ग्राफिटी आगे से मैच की है। ओके, ये स्टिकर बॉम्ब किया प्रॉपर, सो ओके, स्टिकर बॉम्ब होने के बाद ये सारी चीज वो हुई है। तो अभी तो ये आधी हुई है भाई के लिए, मैंने काम रुकवाया, अभी मेरी वीडियो में देखना पूरी प्रॉपर वो सारी चीज करेंगे। तो डू सब्सक्राइब यार, डू सब्सक्राइब अर्जुन खत्री भाई, क्योंकि यार बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई ने, एक सिनेमैटिक वीडियो डाली कल रात मेरी यार, मतलब एक तरीके से मुझे इतना प्राउड फील हुआ ना। अच्छा, उसके साथ साथ भाई हम शॉट आउट देंगे एफटेन दलाल को भी, क्योंकि यार वो जितना सपोर्ट कर रहे हैं आपको भाई, वो है बड़ा भाई, मैं तो कहूंगा भाई जो मेरे को भी देखते हैं और जो मतलब किसी को भी देखते हैं भाई, प्रतीक भैया जाके फॉलो करो भाई, प्रतीक भैया एक एफटेन दलाल इंस्टाग्राम पे आईडी है, यूट्यूब वो नहीं करते, इंस्टा पे भाई को फॉलो करो, मेरे या भाई की तरफ से कुछ भी जाए तो कमेंट में जाए स्पैम करो, बिल्कुल कि मेडिकल से आए हैं, अर्जुन खत्री से आए हैं। मेरा एक तो जॉर्जिया में मेंटोर है, एक इंडिया में मेंटोर है, इंडिया में अपना जो मेंटोर है दैट इज प्रतीक भैया, मैं उनको मानता हूँ गुरुजी सीधी बात ड्रिफ्टिंग में और सारी चीज में, इज लाइक माय मेंटोर, वो मेरे को बताते हैं ऐसे करना है वैसे करना है। देखो भाई आई एम ऑल्सो लर्निंग, परफेक्ट हम भी नहीं है, बट हाँ जहाँ पे पहुंचे हैं वो हमसे भी ऊपर है, तो ही इज लाइक माय मेंटोर, तो वो सारी चीजें बताते हैं और सब कुछ है। सो भाई गो फॉलो प्रतीक भैया ऑन इंस्टाग्राम एफटेन दलाल। सो अब आते हैं आगे वाली बात पे। अब हमने ये क्या करवाया भाई, हैंड ब्रेक हटा दिए, हैंड ब्रेक की जगह हाइड्रोलिक ब्रेक आ गया, हाइड्रोलिक ब्रेक आपको बाहर से दिखा दिया, डबल कैलिपर सिस्टम क्या होता है वो है। बट अच्छा, ई ब्रेक में डबल कैलिपर सिस्टम होना जरूरी है? नहीं, सिंगल कैलिपर पे भी हो सकता है, छोटी गाड़ियों में सिंगल कैलिपर पे ही होता है, जिनमें ज्यादा या तो फ्रंट व्हील ड्राइव होती है या जिनमें ज्यादा पावर नहीं होती वो सिंगल व्हील, फ्रंट व्हील ड्राइव वाले भी ई ब्रेक लगवाते हैं, ई ब्रेक में होती है, जो अपनी मोहित भैया वाली गाड़ी खड़ी है उसमें सिंगल कैलिपर पे था। बट उसमें दिक्कत क्या है, वो अगर आप सिंगल कैलिपर लोगे और हाई बीएचपी वाली गाड़ी में इसमें करवाता तो ब्रेक लाइनिंग फट जाती है ड्यू टू बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से। ठीक है, अब होते हैं आते हैं दूसरी चीज पे, ब्रेक बायसिंग पे आते हैं। ये हो गया ई ब्रेक्स, ये आपको बहुत गाड़ियों में मिल जाएगा, बट जो नहीं है दैट इज दिस मैजिक भाई, ये हाइड्रोलिक ब्रेक, ये मेरा इंजन है, ये अभी मैंने सारी चीज R&D पे चल रही है भाई, ये जाके सारी चीज होगी, दिस इज ब्रेक बायसिंग। फ्रंट में लॉक है तो सारा ब्रेक प्रेशर है फ्रंट में। अच्छा, अब रियर ब्रेक लॉक, रियर ब्रेक फेल है, मैं इसको बीच में कर दूंगा तो चारों साइड, और बिल्कुल पीछे कर दूंगा तो कैलिपर, डबल कैलिपर भी और ब्रेक। ये मतलब चीज ऐसी है एक बारी में समझने वाली, सॉरी दोस्तों यहाँ मीर गिल तुम्हारा होस्ट जो है ना, मुझे वीडियो को दो बार देखना पड़ेगा ये प्रॉपर समझने के लिए, बहुत नई चीज लग रही है मुझे। मैं इन डिटेल अपनी भाई वीडियो डालूंगा इसमें मेरे YouTube चैनल पे, आओ किसी को भाई अगर ड्रिफ्टिंग का और सब का वो है, आगे चल के POV वीडियोस और भाई लर्निंग लेसन वीडियोस जरूर डालूंगा। हां मैं आने वाले टाइम में सेशन लिया भी है Instagram पे, देखना मैंने अब आगे वाले आने वाली वीडियोस में मेरी में सारी में POV वो होगा। मैं थोड़े टिप्स एंड बिट्स में लोगों को ये बताऊंगा कि कैसे क्या इनिशिएट और एग्जिट है भाई, इतना जितना रोड्स पे थोड़ा बहुत कर सकते हैं उतना करेंगे भाई, उसके अलावा जिस दिन मैं ड्रिफ्ट पैड पे गया भाई उस दिन प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे इस चीज के। भाई एक चीज है, मीटर देखती फट जाती है यार, 350 किलोमीटर पर आवर की तो हाईएस्ट में, तो नहीं भाई मैं इस गाड़ी को भाई ट्रैक के लिए नहीं सेटअप किया, अब मैं इसको जो ट्यून करवाऊंगा वो भी एक कस्टम ट्यून होगा इनिशियल बूस्ट के लिए और मिड रेंज के लिए, क्योंकि मेरे को ड्रिफ्टिंग में यही दोनों चीज चाहिए, मेरे को हाई एंड चाहिए ही नहीं, इसलिए मैं डबल डुअल टर्बो से सिंगल टर्बो पे जा रहा हूं। तो बहुत सारे रीजन है भाई, टेक्निकल चीजें हैं, किसी को जिसको टेक्निकल चीजों में मजा है तो मेरे चैनल पे आके समझना सिंगल टर्बो में क्या होता है, एंटी लैग क्या होता है, डबल टर्बो सेटअप क्यों चेंज करा। अच्छा एक बात, आई नो अर्जुन खत्री हमारे साथ वीडियो में है तो वीडियो थोड़ी लंबी तो बनती है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एक बात डिफरेंस बता दो कि डुअल टर्बो से आप सिंगल टर्बो क्यों जा रहे हो, क्या पावर बहुत ज्यादा लॉस हो जाती है डुअल टर्बो में, ऐसा कुछ है क्या भाई? बहुत सारे वेरियस रीजन होते हैं, अगर आपको एक ड्रैगी कार बनानी है तो यू कैन गो विद डुअल टर्बोस, बट सिंगल टर्बो क्या होता है उसमें स्पूल ज्यादा होता है, उसमें लैग ज्यादा आता है, बट व्हेन इट विल
स्पूल और जब वो पावर बना देता है तो इट इज अ क्रेजी पावर, क्योंकि इसमें दो टर्बोस को अलग अलग टाइम पे वो करना पड़ता है, वहां पे कहीं ना कहीं डिले आता है. उसमें एक बार बूस्ट जोन आने के बाद, अब बूस्ट जोन क्या होता है भाई, जैसे आप इसमें देखेंगे भाई, मेरी गाड़ी का है 2500-3000 RPM के बाद बूस्ट जोन जाता है. बूस्ट जोन का मीन जब स्पूल कंप्लीट हो जाता है और टर्बो किक इन करता है, दोनों टर्बो किक इन करता है. बट इसमें भी अलग अलग सेटअप होता है, एक टर्बो छोटा होता है, दो पहले होता है, बड़े वाला बाद में होता है. तो ये इतनी चीजें नहीं करती. लेकिन सिंगल टर्बो पे क्यों जाना चाहोगे, एक छोटा सा रीजन दे दो. मैं इतना बड़ा सिंगल टर्बो लगाऊंगा. अच्छा, पावर बिगर टर्बो लगेगा, एंटी लैग सिस्टम के साथ ब्लो वेल्स लगेंगे और सारी चीजें, ब्लो ऑफ वेल्स वगैरह भी लगाऊंगा. मतलब पार्ट 3 पार्ट 4 आते रहेगा. अरे ब्रो, ये गाड़ी मैं क्लेम भाई अभी नहीं कर रहा, बट आई विल प्रॉमिस यू गाइस, इस साल के एंड में वन ऑफ वन एवरेज चीज होगी और प्रो ड्रिफ्ट कार इंडिया की सबसे टाइडी प्रो ड्रिफ्ट कार बनाऊंगा. भाई काफी पसंद करते हैं आपको, थैंक यू सो मच भाई, लोग काफी रिस्पेक्ट करते हैं. थैंक यू सो मच लिटरली भाई. ये ई ब्रेक पर जरा सा और विस्तार करेंगे थोड़ा. जी भाई, और कुछ है जो मिस आउट कर रहे हैं इसके बारे में? ई ब्रेक्स बेसिकली भाई, और बेसिकली यूं भी मैनुअल करवाना जरूरी है, प्रॉपरली मिक्स एंड मैच मैनुअल के साथ होता है इसका. ओके, तो ये चीज है. उसके अलावा ई ब्रेक्स इज ओनली दिस डुअल कैलिपर सिस्टम को हम ई ब्रेक्स बोलते हैं, दैट इज दिस. अब इसकी सारी हाउसिंग वगैरह मैंने अंदर डलवा रखी है, ज्यादा मैंने काट पीट नहीं करवाई और मैं इंटीरियर रखूंगा. नॉर्मल हैंड ब्रेक और ई ब्रेक में डिफरेंस क्या है, छोटा सा अपनी ऑडियंस के लिए जो बच्चे देख रहे हैं, एंथुसियास्ट को तो चलो आइडिया है. भाई बहुत डिटेल में समझाना पड़ेगा, बट अगर तीन पॉइंट में देखो, पहला होता है जो सिंगल जो हमारा नॉर्मल हैंड ब्रेक, नॉर्मल हैंड ब्रेक अपने कैलिपर पे काम करता है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स पे, तो उसको आप पंप करके ऑन खड़े रहो तो वो ऐसे ही रहेगा, वो नीचे नहीं आता. ये मेरा फ्री मूविंग है. ओके, मेरे पे इसमें लॉक नहीं होएगा, इसमें मेरे को खींचना है और मेरे को छोड़ना है. That's it. इसमें आपका बटन नहीं है कि ऊपर नीचे करते टाइम, फर्स्ट पॉइंट. दूसरा पॉइंट, एक कैलिपर ही दूसरा है इसके लिए. अच्छा, जब मैं इसको खींचूंगा तो मेरा OEM कैलिपर काम नहीं करेगा. अच्छा, जो कैलिपर अलग से लगा है, अलग से कैलिपर लगा है, कैलिपर में वही वाला कैलिपर है, अलग से ठीक है, वो वाला कैलिपर है, वो वाला कैलिपर काम करेगा. सिंगल कैलिपर मेरा जो OEM कैलिपर है वो काम नहीं करेगा. क्यों? उससे क्या फायदा होता है भाई, मेरी कैलिपर की हीट नहीं होगा तो वो फेड नहीं होगा. आप लोगों ने सेरामिक ब्रेकिंग और इन सब का सुना होगा कि ये ट्रैक पे गाड़ी फेड करती है, ब्रेक्स जब बहुत ज्यादा गर्म होती है तो स्लिप करती है, ये सब कुछ, तो वो दिक्कतें नहीं होंगी. अगर मेरा ये ब्रेक फेल होता है तो मेरे पास पैर में ब्रेक अवेलेबल है. दिस इज अ डुअल कैलिपर सिस्टम. तो भाई बहुत सारी चीज सेफ्टी लेके चले हैं. नेक्स्ट मंथ तक मेरा इंटीरियर चला जाएगा, दो बकेट सीट आ जाएंगी, रोल केज आ जाएगा, क्विक रिलीज आ जाएगा, बहुत सारी चीजें. फिर तो उस तरीके से बैठ नहीं पाएंगे, अभी इतने कंफर्टेबल बैठ रहे हैं ना, कंफर्टेबल तो नहीं होती है. ये चीज है, प्रॉपर ट्रैक वेपन बनाएंगे. तो ब्रो फिर ड्रिफ्ट का मजा दे दे. ड्रिफ्ट का मजा से पहले भाई मुझे एक चीज जाननी है कि कुछ पॉइंट्स अगर हम मिस, क्योंकि उसका हम ड्रिफ्ट का सीधा एंड कर देंगे वीडियो, कुछ पॉइंट जो मिस कर रहे हो, कुछ मैसेज जो आपको वीडियो में देना भाई, मैसेज मेरे को ये देना है भाई. आई विल लव ऑल ऑफ द गाइस के भाई अपनी ये जो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, स्विफ्ट वगैरह मत लो, रियर व्हील ड्राइव गाड़ी लो. मैं ये भी नहीं कह रहा मत लो, अगर सिंगल कार है भाई फैमिली के लिए तो इट्स ओके, बट कोई मर्सिडीज या BMWs उठाओ 2-2 लाख की, और भाई बी अ कार एंथुसियास्ट, नॉट अ ड्रिफ्ट लवर, नॉट अ रैली लवर. आपको कार्स की नॉलेज होगी तो आपको आगे चल के ये चीजें पता लगेगी, व्हाट डू यू लव, मतलब आपको क्या पसंद है, रैली पसंद है आपको, ट्रैक्स पसंद है, ड्रिफ्ट पसंद है, हर चीज ड्राइविंग एंड प्रिसीजन है भाई, उसके अलावा कुछ भी नहीं. और वो सारी चीजें जब आएंगी जब आप गाड़ी से प्यार करोगे. अब मैं इस गाड़ी को, आपको लगता है कि मैंने यहाँ पे खड़ी करी और यहाँ पे ऑटोमेटिकली काम हो रहा है, ऐसा नहीं है. मेरा टाइम पूरा पूरे दिन कंज्यूम होता है मेरे को. अब गाड़ी खुलेगी तो मेरे को पूरे दिन यहाँ होना है. मैं अपनी गाड़ी पे मोस्टली, नॉट मोस्टली, पार्शली काम खुद ही करता हूँ मैं अपनी गाड़ी पे. तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं यार. तो भाई बी अ कार लवर, उसके बाद डिसाइड करो व्हाट डू यू लाइक मोर. ओके, और कुछ देखो इस वीडियो में नेगेटिव्स वगैरह तो क्या ही है, तो हमारी हर कॉमन वीडियो में होता है. बाकी चलो इस वीडियो को भी एंड करते हैं भाई, ड्रिफ्ट का कुछ मजा दे लेते हैं यार. से वो पता लग रहा था आपको? ऑफ कोर्स पता लग रहा था, सवाल ही कर रहा था भाई.